निधि क्लास एट एमपी स्कूल राजपुरा. टुडे आई एम टू स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग 40 to 21. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 से 20 तक बैकवर्ड काउंटिंग कराई थी. आज हम बच्चों करेंगे 40 से 21. लेट स्टार्ट 40 के बाद 39 बैकवर्ड है ना, 39. 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31. नेक्स्ट लाइन हमारी 31. 31 के पहले क्या आता है, 30 30 इज बिफोर नंबर. 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 and 21 21. Once again repeat करते हैं. 40 40 तो 40 से before number क्या आता है, 39. तो 39 39 38 38 37 37 36 36 35 बच्चों ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग 40 से लेके 21 तक कंप्लीट हो चुकी है. अपने घर पे बैठ के इसको पहले लर्न कीजिए, फिर इसको फिर नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. थैंक यू, सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुषमा मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा. सब्जेक्ट इंग्लिश में बेटा आज हम करेंगे ये वाला राइटिंग का पेज हमें करना है. पेज नंबर है हमारा 13. देखिए ये क्या है, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. एलिफेंट हमें लिखना है. पहले ये जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं इनके ऊपर से पेंसिल फिरानी, बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में इस तरीके से बोल बोल के ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट. इस तरीके से बेटा ये आपको कंप्लीट करना है. जो खाली वाली लाइन है उसमें देखिए कैसे लिखेंगे, ई ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन तक ऐसे जाएंगे, फिर वापस ब्लू लाइन पे इस तरीके से ये ऐसे ई एल ई पी आएगा हमारा पूरा चार लाइनों में, पी एच ए एन टी एलिफेंट. इस तरीके से बेटा आपको ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है. नेक्स्ट देखिए ई डबल जी एग, ई डबल जी इस तरीके से. ये क्या हमारा फिश, एफ बनाएंगे एफ आई एस एच. ये देखिए यहां पे कैसे बनाएंगे, F I S H कंप्लीट कर लेनी है बेटा आपको ये लाइन. ये देखिए F A C E फेस. देखिए यहाँ पे F कैसे बनाएंगे, ऐसे F A C E. आपको बेटा बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. ओके बेटा, थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यू के जी क्लास
at MLP School Rajpura. Today my topic is month's name, means mahino ke naam. Months means mahine. Okay, so there are months in a year. Ek saal mein kitne mahine hote hain? Kitne hote hain? 12 months, hai na? Ek saal mein kitne mahine hote hain? 12 months. There are 12 months in a year. Ek saal mein 12 mahine hote hain. Dekhiye, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many months in a year? 12 months. Okay, how many months in a year? 12 months. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने. How many months in a year? 12 months. Okay बेटा, first is January. 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 आप भी मेरे साथ बोलेंगे. January. January. February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 Next is July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Once again repeat. Month's name. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 J U L
Y, July. August, A, U, G, U, S, T, August. A, U, G, U, S, T, August. September, S, E, P, T, E, M, B, E, R, September. S, E, P, T, E, M, B, E, R, September. October, O, C, T, O, B, E, R, October. November, N, O, V, E, M, B, E, R, November. N, O, V, E, M, B, E, R, November. Last is December, D, E, C, E, M, B, E, R, December, D, E, C, E, M, B, E, R, December, D, E, C, E, M, B, E, R, December, okay, beta? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, beta? How many months in a year? 12 months. Okay, months name. आपको ये लर्न करना है बुक में से. ये बुक रीडिंग कराई है पेज नंबर 42. ये आपको बुक में से लर्न करना है. Okay, beta? Bye. See you. Good morning, student. Myself, Susma, I'm teacher of UKG class at MLP school, Rajpura. Subject, Hindi में बेटा आज हम करेंगे ये वाला राइटिंग का पेज. पेज नंबर है हमारा 36. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए पहले जो डॉट डॉट दिए हुए हैं इनके ऊपर से हमें पेंसिल फिरानी है बोल बोल के. न छोटी की मात्रा, नी ध छोटी की मात्रा. क्या बन गया? नी धी निधि. त के छोटी की मात्रा. य आ तकिया. उ ठ आ की मात्रा. ठा उठा. फुल स्टॉप लगा देंगे. ध न छोटी की मात्रा. य आ धनिया. मैं ते मत. ग छोटी की मात्रा. र आ गिरा. फुल स्टॉप लगा देंगे. इसी तरीके से हमें बेटा नीचे वाली लाइन लिखनी है. न लिखेंगे बीच की तीन लाइनों में. ऊपर से ये इस तरीके से छोटी की मात्रा लगाएंगे. नी ध छोटी की मात्रा. धी निधि. त के छोटी की मात्रा. की य आ की मात्रा. तकिया. उ ठ आ की मात्रा. ठा उठा. फुल स्टॉप लगा देंगे. ध न छोटी की मात्रा. य आ धनिया. मैं ते मत. ग छोटी की मात्रा लगाएंगे. र आ गिरा धनिया. मत गिरा. इसी तरीके से नीचे वाली ये देखिए बेटा डॉट डॉट पे पेंसिल फिराएंगे बोल बोल के. ए मैं छोटी की मात्रा. मी ते अमित. के आका. प र छोटी की मात्रा. री व आ की मात्रा. वार परिवार. ब छोटी की मात्रा. बी है आ की मात्रा. हा रे बिहार. गे ये आ की मात्रा. या गया. फुल स्टॉप लगाना है. इसी तरीके से बेटा आपको ये वाली लाइन भी करनी है अपनी. देखिए ए मैं छोटी की मात्रा. मी ते अमित. के आका. प रे छोटी की मात्रा. व आ रे परिवार. ब छोटी की मात्रा. बी है आ की मात्रा. हार है हार. ग ये आ. बहुत सुंदर सुंदर बेटा आपको इसी में करना है राइटिंग. ओके बेटा थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ कल्पना मैम टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा. टुडे माई टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. बेटा आज हम आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कराएंगे. ठीक है. और पेज नंबर 90
90 आपको बुक में फिल करना है। ओके फिर हम नोटबुक में भी कराएंगे आपको। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। यहाँ से जैसे हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, ये हम सीढ़ी चढ़ गए 1 2 3 है ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके तो ये हो गया छोटे से बड़ा, पहले 1 आता है, फिर उसके बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9 और 9 से बड़ा 10। ओके तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से छोटे डिजिट से आप ऊपर की साइड जाएंगे, मतलब बड़े की साइड। अब है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है आप जैसे यहाँ पे 10 है तो आप इसको नीचे रिवर्स काउंटिंग जैसे होती है उल्टा, मतलब इसको नीचे की साइड आओगे, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये आप वापस आओगे ऊपर से नीचे की साइड। ओके तो ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाना है और डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे आना है, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट तक। ओके तो ये हो गया हमारा, इसमें देखिए कितने अच्छे से समझा रखा है बुक में भी। चलिए ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर है ना, 0 कुछ नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा काउंटिंग, राइट काउंटिंग हो गई ना, सीधी गिनती। तो ये मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे है ये बैक, चलो उल्टा इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिवर्स काउंटिंग की जैसे। ओके चलिए अब देखिए बेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब इसको आपको ये जो आपको यहाँ लिखे हुए ब्लॉक्स दिए हुए हैं इसमें आपको सही तरीके से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर को। पहले सबसे पहले 4 3 1 2 असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, ठीक है। डिजिट आपको इन ब्लॉक्स में लिखनी है, तो देखिए काउंटिंग आपको आनी बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए 4 3 1 2 अब सबसे छोटी डिजिट कौन सी है चारों में से, 1 सबसे पहले क्या आता है काउंटिंग में, 1 तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ओके और उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 काउंटिंग आती है ना आपको, और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 ओके ये हो गया आपका 4 1 2 3 4 तो आपको लिखना है 1 2 3 4 ओके ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है 3 2 4 5 अब इसमें देखो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है ना, फिर उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 काउंटिंग के जैसा लिखना है। सबसे पहले आएगा 2 फिर 3 4 एंड 5 इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपकी सीधी सीधी गिनती, ठीक है, 2 3 4 5 सबसे छोटी, उसके बाद 3 बड़ा होता है 2 से और 2 से बड़ा 4 होता है और 4 से बड़ा 5 ओके कितना इजी है। अब देखिए 5 6 4 7 अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 4 उसके बाद 5 काउंटिंग में ऐसे आता है ना, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 ठीक है, 4 5 6 7 इस तरह से आपको ये ब्लॉक्स के अंदर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और अपनी बुक फिल करनी है। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट है 6 7 5 4 अब इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 4 उसके बाद 5 फिर 6 और लास्ट में 7 4 5 6 7 ओके बेटा तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सबसे छोटे डिजिट से सबसे बड़ा। अब यहाँ ये अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है आपको, मतलब पहले सबसे बड़ी लिखनी है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी
और सबसे छोटी डिजिट, ठीक है, नंबर। चलिए आप सब देखिए, 8, 6, 7, 5, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है बताइए। देखिए सबसे छोटी तो 5 है, 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 7 आएगा और 7 के बाद 8, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई 8। और रिवर्स काउंटिंग करिए आप, 8 के बाद क्या आता है, पहले 7 और 7 से पहले क्या आता है 6 और 6 से पहले 5, ठीक है। तो ये बैक काउंटिंग के जैसा हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, ओके। नेक्स्ट देखिए, 6, 5, 3, 4, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे बड़ा कौन सी है 6, उसके बाद 5, नेक्स्ट 4 एंड लास्ट है हमारा 3। 6, 5, 4, 3, सबसे बड़ी 6 हो गई। फिर 6 से पहले क्या आता है 5 और 5 से पहले 4 और 4 से पहले 3, तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी से सबसे छोटी डिजिट, ठीक है। अब देखिए 4, 5, 3, 2, तो सबसे बड़ी कौन सी है 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 लिखेंगे, ओके। सबसे बड़ी 5 और 5 से पहले क्या आता है 4 और 4 से पहले 3 आता है और 3 से पहले 2, है ना। अब इधर से देखो सीधी काउंटिंग कैसे होगी, 2, 3, 4, 5, है ना, बैक काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 1। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 4, है ना, सबसे पहले लिखेंगे 4 और 4 से पहले क्या आता है 3, 3 और 3 से पहले क्या आएगा 2 और 2 से पहले क्या आता है 1, ओके, ये 1। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो पेज नंबर 90, ये आपको अपनी बुक में करना है, सभी को वर्क कंप्लीट, ओके बेटा, बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। टुडे माई टॉपिक इज 12 खड़ी, सब्जेक्ट हिंदी, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68। बेटा ये आपकी बुक में, हिंदी बुक में है आपकी 12 खड़ी, और आपको जैसे मैम आपको लर्न करा रही हैं आपको भी इसी तरह से लर्न करनी है, ओके बेटा, बोल बोल कर 12 खड़ी। देखिए कैसे बोलेंगे, अब ये हमारी फर्स्ट है क वर्ण की 12 खड़ी, क वर्ण की 12 खड़ी, इसे किस तरह से बोलोगे, कका, किकी, कुकू, के कई, को काऊ, कंग कहा। वंस अगेन, कका, किकी, कुकू, के कई, को काऊ, कंग कहा। अब देखिए आप मात्रा की पहचान भी कर सकते हैं, ये बिना मात्रा वाला शब्द है, ठीक है, क, और ये क पे हमने कौन सी मात्रा लगा दी है, आ की मात्रा, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, कराई है ना मैंने आपको आ की मात्रा, और ये छोटी की मात्रा, कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, बाई ओर से लगी हुई है ना, देखिए क पे बाई ओर से, ठीक है, और ये दाई ओर से बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, ये आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अब ये कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा, ऊ है ना, ऊपर को जा रही है ना, छोटे ऊ की मात्रा, और ये बड़े ऊ की मात्रा, ये नीचे को आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ठीक है, और ये आई की मात्रा, है ना, अभी हमने कराई नहीं है, अब हम आगे नेक्स्ट ये मात्रा हम कंप्लीट कराएंगे आपको बेटा, ठीक है, अभी हमने बड़े ऊ तक करा चुके हैं, आगे हम बढ़ेंगे, तो लेकिन आप पहचानिए कौन सी मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ओ है ना, और ये औ की मात्रा, औ, और ये अंग की मात्रा, और ये अह खाली। चलिए अब इसे हम कैसे बोलेंगे 12 खड़ी को, क का, कि की, कु कू, के कई, को काऊ, कं कहा, आ रही है ना साउंड सभी की मात्राओं में, है ना, क का आ की मात्रा, कि छोटी की मात्रा इसी तरह से बोलते हैं ना, की बड़ी की मात्रा लंबी जाती है, कु
है ना, कू के कई को काऊ कल कहा, ठीक है ये कहा। चलिए नेक्स्ट है हमारी ख वर्ण की बारह खड़ी। ख खा खिखी खुखु खे खाई खो खाऊ ख कहा। ओके ख खा खिखी खुखु खे खाई खो खाऊ ख कहा। अब है ग वर्ण की बारह खड़ी। सभी को इसी तरह से बोलेंगे, बस वर्ण चेंज हो जाएगा, मात्राएं सेम रहेंगी। ओके बेटा देखिए सिर्फ वर्ण चेंज हो रहे हैं और मात्रा सेम है सभी पे, ठीक है। अब देखिए ग गा गि गी गु गु गे गई गो गौ ग गहा। घ घा घि घी घु घु घे घई घो घौ घं गहा। च चा चि ची चु चू चे चई चो चौ चंग चहा। छ छा छि छी छु छु छे छई छो छऊ छ छह। ज जा जि जी जु जू जे जई जो जऊ जं जहा। झ झा छि झी झु झू झे झई झो झऊ झं जहा। ट टा टि टी टू टू टे तई टो टऊ टं टहा। ठ ठा ठि ठी ठु ठू ठे ठई ठो ठऊ ठं ठहा। ड डा डि डी डु डू डे दई डो डऊ डं डहा। ड ढा डि डी डु डू ढे ढई डो ढऊ डं डहा। त ता ति ती तु तू ते तई तो तऊ तंग तहा। थ था थि थी थु थू थे थई थो थऊ थंग तहा। द दा दि दी दु दू दे दई दो दऊ दंग दहा। ध धा धि धी धु धू धे धई धो धऊ धंग दहा। न ना नि नी नु नू ने नई नो नऊ न नहा। मतलब मेरा बेटा देखिए वर्ण चेंज हुआ है सभी में, ठीक है। देखिए क वर्ण ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न, सभी वर्ण चेंज हो गई है और मात्राएं सभी पे सेम है, ठीक है। देखिए झ ट झ ट झि टी झि झि टी झु टू झु टू झे टे झई टई झो टऊ टो झऊ टऊ झं टं झ टह, है ना। सेम मात्रा है ना सभी पे, सिर्फ वर्ण चेंज होगा। बारह खड़ी में वर्ण चेंज होता है और मात्राएं सेम रहती है सभी पे। ओके बेटा तो इस तरह से आपको ये आपको लर्न करना है। इधर भी देखिए पै वर्ण की बारह खड़ी दी हुई है, फै की मतलब बाकी सभी इधर सारी वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। जैसे प पा पि पी पु पू पे पई पो पऊ पं पहा। फ फा फि फी फु फू फे फई फो फऊ फं फहा। ब बा बी बी बु बू बे बई बो बऊ बंग बहा। भ भा भी भी भु भू भे भई भो भऊ भंग बहा। म मा मी मी मु मु मे मई मो मऊ मंग महा। य या ये ये यु यु ये यई यो यऊ यंग यहा। र रा रि रि रु रु रे रई रो रऊ रंग रहा। ल ला लि ली लु लु ले लई लो लऊ लंग लहा। व वा वि वी वु वु वे वई वो वऊ वंग वहा।
शशा शिशी शुशु शेषई शोशौ शंशः। ठीक है, शे शा शि शी शु शु शे शै शो शौ शंशः। स सा सि सी सु सु से सै सो सौ शंशः। ह ह हि हि हु हु हे हं है हो हौ हंहः। छ्र छ्र छ्रि छ्रि छ्रु छ्रु श्रे श्रे श्रौ श्रौ शंशः। त्र त्र त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रं त्रः। ज्ञ ज्ञ गि गि ग्यु ग्यु ग्ये गै ग्यो गग्यो ग्यं ग्यः। देखिए सारे वर्ण दिए हुए हैं, ये आपकी 12 खड़ी है हिंदी बुक में पेज नंबर 68। और आप भी इसी तरह मेरे साथ बोलेंगे जैसे मैम बोल रहे हैं। ओके बेटा, देखिए कितनी अच्छी साउंड निकल रही है। क का कि की कु कु के कई को कौ कं कहा। मात्राओं के साथ साउंड निकल रही है। ख ख खि खि खु खु खे खई खो खौ खं कहा। ग गा गि गि कु गु गे गई गो गौ गं गहा। घ ख घि घि घु घु घे घई घो घौ घं गहा। तो इस तरह से आपको सभी मात्राएं करनी है 12 खड़ी की। ओके बेटा, वंस अगेन देखिए। क का कि की कु कु के कई को कौ कं कहा। तो आप इस तरह से मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, जैसे मैम बोल रही है ना, आपको भी इसी तरह लर्न करना है बोल बोल कर, घर पर अपनी बुक रीडिंग करनी है। ओके बेटा, बाय, सी यू।